भोपाल में गोडसे की मंदिर बनाने में आगे रहने वाले हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरलिया कांग्रेस में शामिल हो गए। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाबूलाल चौरसिया ने कल भोपाल में कमलनाथ के सामने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बाबूलाल चौरसिया ने बताया कि उन्हें षड्यंत्र के तहत महासभा में बनाए रखा गया। हिंदू महासभा कई तरह की साजिश करता है जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। हिंदू महासभा की कार्यशैली से नाखुश होकर वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाबूलाल ने कहा कि वो तो पहले से ही कांग्रेसी थे। पहले मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। कुछ बातें ऐसी हो गई जो मेरा दिल गवारा नहीं करता था। मैं गौड साहब की तरफ जो है इशारा कर दिया तो मैंने जो है वो जल था जो है डाला जो है, लेकिन मेरे को बाद में ध्यान आया किसी ने कहा गौड साहब का जिंदाबाद के जैसे कोई नारे लगाए थे सामने, मैंने कहा ये आपने मेरे साथ दगा किया। बाबूलाल अभी हिंदू महासभा के टिकट से ग्वालियर नगर निगम के वार्ड नंबर 44 से पार्षद हैं। 2017 में नाथूराम गोडसे का मंदिर स्थापित करने में भी बाबूलाल ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन कांग्रेस में शामिल होते ही बाबूलाल चौरसिया को हिंदू महासभा से निष्कासित कर दिया गया। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।